सिंपल पास्ट टेंस के बारे में देखा और आज हम देखने जा रहे हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस यानी कि पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस की उसे बोलते हैं। तो पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस, पास्ट प्रोग्रेसिव या पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में क्या होता है, कौन सी एक्शन का इसमें समावेश होता है, तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस यानी कि पास्ट में कोई एक्शन हो रही थी तो इसे हम बोलते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में इसका सेंटेंस फॉर्मेशन कैसा होता है तो वो देखिए। पहले तो सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट जिसे हम बोलते हैं कर्ता। सब्जेक्ट के बाद में पास्ट फॉर्म टू बी के पास्ट फॉर्म में वाज या वेयर, प्लस वर्ब और वर्ब के साथ में उसका आईएनजी फॉर्म। वर्ब प्लस आईएनजी लिखे हम, क्योंकि जो भी हम वर्ब यूज करो तुम इसका आईएनजी फॉर्म लिखेंगे। और इसके साथ में आएगा ऑब्जेक्ट और इसके पीछे तुम इसमें बोलते ना हेल्पिंग वर्ड्स यूज कर सकते हो, लेकिन ये इसका मेन सेंटेंस फॉर्मेशन रहेगा। अब देखो वर्ड्स या वेयर, वर्ड्स या वेयर कब यूज करना है तो उसको भी हम रिवाइज कर रहे, पहले सीख लिया है कि वर्ड्स कब आएगा। तो वर्ड्स आई और ही शी इट, यहां पे देख लिया हमने वो आई, I इधर we, you he she he और इधर they। अब देखो इधर फर्स्ट पर इधर फर्स्ट पर्सन है, ये सेकंड पर्सन है और ये तीनों थर्ड पर्सन है। तो फर्स्ट पर्सन आई यानी कि मैं, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर और इधर हम लिखेंगे प्लूरल। फर्स्ट पर्सन सिंगुलर यानी कि आई, तो आई के साथ कंपल्सरी क्या आएगा, वॉज। और चलो इसके नीचे हम कोई वर्ब भी लिख दे, आई वॉज प्लेइंग, यानी कि मैं खेल रहा था लेकिन हम सब साथ में खेलते होते तो हम इधर वॉज नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, वी वेयर प्लेइंग, क्या लिखेंगे, वी वेयर प्लेइंग। और ऐसे तुम अकेले खेल रहे हो तो यू खेल, तुम अकेले खेल रहे थे तो यू। अब देखो इधर यू और इधर यू कोई सिंगुलर होगा, सेकंड पर्सन सिंगुलर होगा तो भी वेयर आएगा और सेकंड पर्सन प्लूरल होगा तो भी वेयर आएगा, यानी कि यू वेयर प्लेइंग, वेयर भी बोलते हो वर्ब भी बोलते हो। तो इधर लेकिन करेक्ट प्रोनाउंसिएशन वर्ब। और ऐसे ही शी और इट, तो इसमें क्या आएगा, इसमें भी तीनों में इसके साथ में वॉज ही आएगा। और they were playing, यानी कि I was playing, we were playing, you were playing, you were playing, he was playing, she was playing, it was playing और they were playing। ऐसे हम I और इधर मैंने बता दिया तुम्हें
इन शॉर्ट आई ही शी और इट इसके साथ में वॉज आएगा, बाकी सब में वेयर आएगा। और वर्ब जो मेन वर्ब फॉर्म है इसके पीछे इसके आईएनजी वाला फॉर्म आएगा, यानी कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस फॉर्म। इस कंटिन्यूअस फॉर्म इसका माय लव ईट है तो ईटिंग, राइट है तो राइटिंग, स्पीक है तो स्पीकिंग, ब्रेक है तो ब्रेकिंग, ऐसे इसका आईएनजी फॉर्म आएगा। और इसके साथ में जो ऑब्जेक्ट होगा वो, एग्जांपल हम देखिए सिंपल एग्जांपल से हम स्टार्ट करें तो तुम्हें अच्छे से पता चले। When you came, अभी जब ब्रैकेट में वर्ड्स दिया है, right? When you came, I dash my answers. Past continuous tense में तुम ब्लैंक फिल कर दिए, इंस्ट्रक्शन दी हुई है। When you came, यानी कि जब तुम आए, I dash my answer. अब देखो ब्रैकेट में वर्ड्स दिया है, right? तो तुम्हें पास्ट कंटिन्यूअस टेंस सेंटेंस फिल अप करना है। तो तुम्हें आई देखो सब्जेक्ट कौन है, आई, इधर सब्जेक्ट कौन सा है, आई, तो आई के साथ तुम्हें का फॉर्म कौन सा आएगा, वाज, क्योंकि आई के साथ वाज। आई वाज वर्ब कौन सा है, राइट, लेकिन वर्ब का आईएनजी वाला फॉर्म, तो राइट का क्या होगा, राइटिंग। यस, तो देखो व्हेन यू केम आई वाज राइटिंग माय आंसर्स, यानी कि जब तुम आए तब मैं मेरे आंसर्स लिख रहा। गेट इट? यस, तो ऐसे ही मिस दूसरे एग्जांपल्स हम लिखे। ये भी मैं टीचर्स का दे रहा हूं। देखो स्टूडेंट्स तुम्हें इसमें क्या है, इसका कंसेप्ट मेन तुम्हें याद रखना है कि पास्ट कंटिन्यूअस में टेंस में क्या होगा, टू बी का फॉर्म वाज या वर्ब, और इसके साथ में जो वर्ब होगा इसका क्या लगेगा, उसका आईएनजी फॉर्म। इसके एग्जांपल्स में लिखूं,
कि जब नेहरू भाई आए तब हम लाइब्रेरी में रीडिंग कर रहे थे। ऐसे ही दूसरा एग्जांपल हम लिखे, ठीक है, और एग्जांपल लिखा है मैंने, मेन सरोज में डैश संस्कृत द मेन रैंक। देखो रैंक दिया है कि वो पास्ट टेंस का सेंटेंस है, तो भी इसमें ये पास्ट सिंपल पास्ट टेंस का सेंटेंस है और इसमें ये सेंटेंस को हमें पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में लिखना है, यानी कि मैं सरोज में ब्रैकेट में वर्ब दिया है टीच टू टीच, तो कोई बताएगा मेरे को सरोज में कौन सा पर्सन है? Anyone give me answer? Sarojben, which person? Sarojben मैं हूँ? नहीं। Sarojben तुम हो? नहीं। Sarojben कोई third person है। और third person है और वो एक ही है। यानी कि third person singular she। तो इसके साथ हम कौन सा विधि का उपयोग करेंगे? Was। तो
ऐसे ही दूसरे एग्जांपल्स हम लिखें तो तुम्हें ज्यादा से जितने ज्यादा से ज्यादा एग्जांपल की प्रैक्टिस करेंगे इसको टेंस इस तरह इसके टेंस को हम अच्छी तरह से जान पाएंगे। She dash flowers under the tree. Gather. She third person singular. तो to be का form आएगा इधर was. Gather यानी कि collect करना. Gathering. Next.
होम, यानी कि मैं जब घर पहुंचा तब मॉम प्रिपेयर, लेकिन मॉम क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर, तो यानी कि वॉज प्रिपेयरिंग हो गया होगा। ओके okay।